आज अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं को सफलता सम्मेलन में सबका आभार माटी का अभिनंदन करके सबको जोहार। हमारे बीच एनडीए गठबंधन के दोनों दलों के प्रमुख नेता आदरणीय पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मराठे जी, आदरणीय श्री सुदेश कुमार दत्तो जी पूर्व डिप्टी सीएम, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य आदरणीय दीपक प्रभास जी, हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष अग्रणी के सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे बीच उपस्थित निर्भो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आयुर्वीर बाटू जी, आप सभी लोगों को एनडीए गठबंधन की ओर से ये पहला संयुक्त अभियान का शुरुआत, लोग कहते हैं ना एकजुटता, जहां एक मत है एकजुटता है वही बहुमत निश्चित। आज हम उस बहुमत का बुनियाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इस संवाददाता सम्मेलन में हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मराठे जी से आग्रह करेंगे कि प्रेस को सफल देखा कि एक दिन 30 तारीख को 6 DSP लोगों का ट्रांसफर
ट्रांसफर होता है और उसी भी ट्रांसफर को छो कभी लोगों के दिया जाता है। उसे देख करके लगा कि जो कि हम लोग सब यहाँ सत्ता में रहे हैं, प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के पास होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री करते और मुख्यमंत्री अगर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को एक दिन में अगर सब स्थगित के निरस्त कर देते, इसका मतलब है कि सत्ता में बिचौलिया मजबूती से शासन को चला रही है। तो आज तो लगता है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है बल्कि बिचौलियों की सरकार है। वो 30 तारीख को एक वाक्य ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, और जहां बिचौलियों के द्वारा शासन चलता हो तो फिर कभी भी राज्य में विकास नहीं हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या दशा है हम सब लोग बार बार बताते रहे, आप सब लोग उसको छापते रहे, और चारों तरफ कोयला की लूट है, कई बार पत्थर की लूट है, बालों की लूट है, ये सारे लूट चारों तरफ है। इसलिए इस चुनाव में ये जो लुटेरी सरकार है इसको हम सब लोग यहाँ से उखाड़ करके जनता फेंकेगी और उसकी शुरुआत बेरमो और दुमका विधान से, दुमका विधानसभा के उप चुनाव से जनता की शुरुआत करेगी। आप दुमका में भी देखें कि वहां की हालत क्या है, भाई संथाल परगना में हेमंत सोरेन के परिवार से, वो सोरेन के परिवार संथाल परगना छोड़ करके बाहर से तो वो चुनाव जीत नहीं सकता। अतीत में भी हम सब ने देखा कहां कहां चुनाव हारा, उसका क्या हुआ है, दुर्गति वो सबको पता है। संथाल परगना में मात्र 7 सीट वहां रिजर्व है और 2 तो पहले से ही वहां पर विधायक इनके परिवार के, एक तो हेमंत सोरेन जी बरेड से विधायक है, उनकी भाभी सीता सोरेन जामा से विधायक है, और तीसरा जो भाई आप दुमका से लग रहा है। अब शेष जो 4 सीटें हैं तो हेमंत की भी पत्नी है, इधर बसंत की भी पत्नी है, और बाल बच्चे भी ढेर लोग बड़े हो गए, पता नहीं संथाल परगना में और किसी और लोगों के लिए सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस बार इस जो परिवारवाद है उसको भी वहां खत्म करना, किसी ढंग से पूरे संथाल परगना को अपने कब्जे में कर रखा है, वहां की जनता अब मुक्ति के लिए छटपटा रही है। इसलिए हमने कहा कि ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, दोनों ही विधानसभा झारखंड के राजनीति के बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव को जीतना एनडीए के लिए नहीं बल्कि इस राज्य के लिए जनता के लिए जरूरी है। और हम पूरा विश्वास करते हैं जो भी कुछ अभी तक कार्यकर्ता से बाकी लोगों से जो फीडबैक दिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार दोनों सी एनडीए गठबंधन की हो जाएगी और संसद लोग जीतेंगे, और चुनाव प्रचार में भी एनडीए पूरी मजबूती के साथ मिल करके दोनों जगहों पर काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी ओर से थोड़े बहुत कुछ विषय रखती थी, मैंने अपनी ओर से आप सबके समक्ष रख दिया, और अपने माइक आप ही को देते हैं। अब आज तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुदेश पात्रा जी डायरेक्ट में अच्छा है क्या सर, वो ऐसे या मत थोड़ा सा आगे आज पार्टी के जिले में इस सभागार में मैं एनडीए के नेता और
आदरणीय राज्य विधानसभा के विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी जी का, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हमारे सांसद आदरणीय दीपक जी का, हमारे पार्टी के वरीय नेता और पार्टी हमारे आदरणीय विधानसभा में पूर्व सहयोगी और गढ़वा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय बाटू जी का और आप सभी का अपने मुख्यालय में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राज्य में दो उपचुनाव की तिथि सुनिश्चित हुई है, केरमो और दुमका। भारतीय जनता पार्टी और राज्यों ने संयुक्त रूप से एनडीए के बेलर तले ये दोनों उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुमका और केरमो में चुनाव लड़ेंगे। आज विधिवत रूप से इस चुनाव के संयुक्त अभियान की शुरुआत आपके माध्यम से हम सभी लोगों ने प्रारंभ किया है। जो वर्तमान में राज्य के हालात के बारे में जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने चर्चा किया, ये चुनाव इस राज्य में राज्य सरकार के दिशाहीन नेतृत्व और वादा खिलाफी के खिलाफ में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि 10 महीना का कार्यकाल 60 महीना के जनादेश के बीच में 10 महीना का कार्यकाल गुजर चुका है। झारखंड की जनता को गवर्नमेंट ने अभी तक अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित नहीं करा पाई। चुनावी वायदे जिन वादों के साथ भ्रमित करने का काम किया गया, उन वायदों में दो सरकार ने अभी तक नहीं कर पाए। ये राज्य भारतवर्ष के और भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस पर भी निर्भर करता है कि राज्य कैसा चल रहा है, राज्य का नेतृत्व कैसा चल रहा है और हम भारतवर्ष के शेष राज्यों के साथ बराबर वर्तमान की चुनौतियों के साथ खड़ा है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। केरमो और दुमका कई जाने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कारण बड़ा स्पष्ट है कि हम दुमका की जनता के विश्वास को पुनर्जीतना चाहते हैं और जीत के जिस प्रदेश के निर्माण में एनडीए ने बड़ी भूमिका निभाई, उप राजधानी के रूप में दुमका को जिस रूप से चित्रित किया और आगे सजाने का काम किया, उसकी होने की तैयारी रहेगी। साथ ही साथ केरमो जैसे महत्वपूर्ण कोयलांचल के इस विधानसभा क्षेत्र में भी कई प्रयास हुए हैं, लेकिन जनमत के विकराव के कारण नेतृत्व कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। हमारी तैयारी है कि आदरणीय बाटुल जी के नेतृत्व में केरमो और केरमो की जनता का एक विश्वास हम लोग 3 तारीख को जीतेंगे और फिर केरमो प्रगति के उस पथ पर सशक्त और आगे बढ़ेगा। हम संयुक्त रूप से एक बड़े और साझा कार्यक्रमों के साथ हम लोग आगे जाएंगे। ये उपचुनाव मात्र शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही हम उन सारे विषयों को साथ में लेके जाएंगे जो सरकार की नाकामी है, सरकार की दिग्भ्रांति है, गवर्नमेंट की जो स्थिति है, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मापदंड है, सभी मापदंड पर जहां फेलियर है, फेलियर है गवर्नमेंट, उसी विषय पर हम लोग सभी बात करेंगे। मैं पुनः अपने कार्यालय में आज के इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भारतीय जनता पार्टी करते हैं हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य
आदरणीय दीपक प्रकाश जी से आग्रह करेंगे कि आजसू केंद्रीय कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री वर्तमान में विधायक दल के सम्मानित बाबूलाल मरंडी जी, सम्मानित पूर्व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सिद्धि के विधायक सम्मानित सुदेश महतो जी, आजसू के वरिष्ठ नेता, आजसू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गिरिडीह के सांसद आदित्य चंद्र प्रकाश जी और बेरमो के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुगेश महतो पाटो जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा। जब जब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के इस राज्य में काम करता है तो राज्य का बेहतर परिणाम साबित होता है। राज्य गठन के पहले जहां भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक अलग राज्य बनाने का संघर्ष साथ में किया था, भारतीय जनता पार्टी और आजसू मिलकर के एक तरफ इस राज्य के ईमानदारी से संघर्ष, दूसरे तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन को लगातार कई बार बेचने का काम। ये आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने जब मिलकर के संघर्ष किया था तो उसका परिणाम भी सुखद हुआ था और इसलिए मुखिया प्रधानमंत्री जी ने अलग राज्य दे दिया। उसके बाद भी लगातार जब जब हम और आज की राज्य के लिए काम किए तो हम लोगों ने सिर्फ सत्ता पाने का काम नहीं किया बल्कि सत्ता के साथ इस राज्य का विकास का इतिहास लिखने का हम सब लोगों ने काम किया। सुरेश जी, बाबूलाल जी सब लगातार मंत्री के रूप में, मंत्री चंद्र प्रकाश जी सफल मंत्री, इतिहास लिखने वाला एक माइल स्टोन खड़ा करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है। नेचुरल है और जब जब मिलकर के हम लड़ते हैं तब महागठबंधन, महाठगबंधन यूपीए हम लोग चुनाव हारने का काम करते हैं। मैं इस चुनाव में दोनों जो विधानसभा के जो उपचुनाव है, दोनों विधानसभा के उपचुनाव इस राज्य के बेहतरी के लिए, इस राज्य के विकास के अवरोध पैदा करने वाले के छाती पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करेगा। जैसा बाबूलाल जी, सुदेश जी ने बताया है, ये चुनाव मूलतः परिवारवाद बनाम लोकतंत्र, तो दूसरे तरफ हम कह सकते हैं दूसरा चीज अगर कहीं मुझे आएंगे तो जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था और अपराध में जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी बहनें हमारी बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, जिस प्रकार से हत्याओं की संख्या बढ़ रही है, हम तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी समाज जो चाईबासा का इलाका है उसमें घटना घटी जिसमें मौन लिंचिंग की तरह आदिवासियों की मौत, इसलिए सरकार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति को ये गठबंधन समाज के बीच में राजकीय चुनाव जीतने का काम करेगा। एक तो दुमका में कल
कल मतलब 13 तारीख को वहां पर नामांकन हमारी श्रीमती लुईस पारमी जी करेंगी। वहां पर आसू के इतने लोग हैं, जदयू के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, कृष्णा माडी की जो पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अंगोला, सारे लोग उस वहां के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। उसी तरह से 14 तारीख को बेलगो विधानसभा का आप सबको जानते हैं कि तेलु घाट में वोट होने का वहां पर कांग्रेस होता है, वहां पर कांग्रेस होगा। आज सुख से मैंने निवेदन किया सुप्रीमो जी, आसू के सुप्रीमो सुधीर जी से भी, चंद्रप्रकाश जी से भी, कि वहां पर रहकर के नामांकन में वहां रहकर के आप वहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का काम करेंगे। और हम सब लोगों ने तय किया है कि दोनों चुनाव के संचालन में जो संचालन समिति बनेगी वो एनडीए की संचालन समिति बनेगी, एनडीए एनडीए गठबंधन की संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति बनेगी। और सिर्फ ये संपर्क और संबंध मेरा इस चुनाव तक नहीं, हम लंबे समय तक साथ मिलकर के काम करने का हम लोगों ने तय किया है। और इस दृष्टिकोण से भी एनडीए गठबंधन की लगातार बैठकें भी होंगी और उस गठबंधन में एक समिति का गठन होगा जो आगे के कार्यक्रमों की रचना और संघर्ष की कथा लिखने का हम सब लोग काम करेंगे। इन्हीं सब लोगों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। फिर से खड़े हैं, फिर से दौड़ेंगे और राज्य के विकास की गति को तेज करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में हम सब लोगों ने मूल्यांकन किया, टीएमसी बैठकों में मूल्यांकन किए, और कुल मिलाकर के हम लोग मिलकर के काम करेंगे, इस बात को समझिए आप।